नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा दिल्ली होमगार्ड की। दिल्ली होमगार्ड के जवान हरिंदर कुमार जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम जानेंगे कि होमगार्ड में भर्ती होने की प्रक्रिया, होमगार्ड की सैलरी, होमगार्ड का जॉब प्रोफाइल और होमगार्ड का फ्यूचर। तो सबसे पहले स्वागत है हरिंदर कुमार जी का इस चैनल के ऊपर। तो पहला सवाल आपसे कि आपको सर्विस में कितना समय हो गया? सर, मेरे को सर्विस में 13 साल हो चुके हैं। 13 साल? लेकिन जहाँ तक हमें पता है या जो ऑर्डर है वो तो 3+2 मतलब कि 5 साल तक के लिए ही रहता है। सर, हम 5 साल के लिए ही भर्ती हुए थे, 3+2 ही होता है। इसमें समय समय पर हमको बढ़ा दिया जाता है। अच्छा। 6 महीने या 1 साल के लिए बढ़ाते रहते हैं, एक्सटेंड हो जाता है। हाँ जी। तो ये एक्सटेंशन जब आपका ये एक्सटेंड होता है सर, तो कोई टेस्ट या कुछ दोबारा आपको देना पड़ता है? सर, हर बार फिजिकल देना पड़ता है। ऐसी कोई जॉब नहीं है बेल्ट की जिसमें बार बार फिजिकल देना पड़ा हो। समय मतलब कि जितनी बार आपका एक्सटेंशन होगा उतनी बार आपको टेस्ट देना पड़ेगा। बिल्कुल देना। अच्छा, भर्ती की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे एक होमगार्ड बना जा सकता है दिल्ली में? सर, दिल्ली में होमगार्ड भर्ती होने के लिए पहले तो वो दिल्ली का ही नागरिक हो। अच्छा, दिल्ली का ही नागरिक होना चाहिए। दिल्ली का ही नागरिक, दिल्ली के बाहर के राज्य का नहीं? नहीं सर। अच्छा, तो उसके बाद फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म भरने के बाद फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, रिटर्न होता है, उसके बाद एक होमगार्ड तैयार होता है। कुल मिला के जिस तरह से एक दिल्ली पुलिस में सिपाही की भर्ती होती है, फिजिकल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, वैसे ही आप लोगों की भी भर्ती होती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा, सैलरी के बारे में बताइए कि अभी आपकी कितनी सैलरी है? सर, 895 रुपये पर डे है मेरी। सर, 895 रुपये पर डे? पर डे मतलब डेली का? हाँ, डेली का है सर। कोई फिक्स सैलरी नहीं है? नहीं, कोई फिक्स सैलरी नहीं होती। अगर आप छुट्टी कर लेते हैं महीने भर, एक दिन या दो दिन या पाँच दिन, तो उसके पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते? नहीं सर, कोई पैसे नहीं मिलते हैं। जितने दिन हम जॉब करते हैं उतने दिन की सैलरी मिलती है। तो ये तो एक तरह से दैनिक भत्ता मान लीजिए? हाँ बिल्कुल सर, दैनिक भत्ता कह सकते हैं। जिस तरीके से एक मजदूर जॉब करता है, कहीं पे नौकरी करता है, अगर जिस दिन जाएगा वो उस दिन की सैलरी मिलती है। तो दोस्तों, सैलरी की बात ये हो गई कि सैलरी का जो है पर डे का सिस्टम होता है। अभी हाल फिलहाल में इनकी 895 रुपये पर डे है। अच्छा, ये बताइए जॉब प्रोफाइल मतलब कि होमगार्ड की किस तरह की जॉब होती है दिल्ली में, किस तरह की ड्यूटी होती है, क्या क्या करना पड़ता है? सर, एक होमगार्ड को दिल्ली में, जैसे दिल्ली पुलिस का एक सिपाही है, हर एक काम उसको करना पड़ता है। जैसे पिकेट ड्यूटी हो गई, ट्रैफिक में ड्यूटी हो गई, थाने में अलग अलग विभागों में ड्यूटी हो गई। मतलब कि आपकी पोस्टिंग हर जगह रहती है, पुलिस थाने में भी, ट्रैफिक में भी, और जो पुलिस के कोई विभाग हैं उनमें भी आपकी ड्यूटी रहती है, हर जगह आपकी ड्यूटी रहती है। क्या फ्यूचर मानते हैं आप कि फ्यूचर कैसा होता है होमगार्ड का दिल्ली में? दिल्ली में होमगार्ड का फ्यूचर 0 होता है। कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाती है कि बस सरकार की तरफ से आपको कोई सुविधा नहीं मिलती सैलरी के अलावा? कोई सुविधा नहीं मिलती है, जैसे मेडिकल फैसिलिटी या घूमने का या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं? कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती है, और कहें तो हमें बोनस वगैरह भी नहीं दिया जाता है। अच्छा, कोई कभी होली दिवाली होती है जो बोनस का टाइम होता है, जितने दिन आपने काम किया वही है, उसके अलावा आपका कुछ भी नहीं? हाँ जी। तो जो नए युवा भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, होमगार्ड बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि होमगार्ड में भर्ती होना व्यर्थ है, बेकार है। अगर वो इस समय पर भर्ती हो जाते हैं, मान लिया जाए वो इन एज हैं, अगर 5 साल जॉब करने के बाद उनको निकाल दिया जाएगा, वो ओवर एज हो जाएंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे? जिस तरीके से मैं 13 साल जॉब कर चुका हूँ और मेरे को निकाल दिया जाएगा। तो जो आपने 13 साल होमगार्ड को दिए हैं, नौकरी की है, तो इसका एक्सपीरियंस कहीं आपको काम आएगा या नहीं? नहीं सर, कोई काम नहीं आता है, कोई एक्सपीरियंस काम नहीं आता। तो आप ये कहना चाहते हैं कि होमगार्ड बनने के बजाय अगर प्राइवेट नौकरी आदमी करे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा? बिल्कुल सर, उसमें जैसे प्राइवेट जॉब करने पर उसकी सैलरी भी अच्छी होगी, उसको मेडिकल सुविधा भी मिलेगी, तो इस तरीके से मैं तो कहूँगा कि प्राइवेट जॉब में भर्ती होना अच्छा है। अच्छा, ये बताइए आप लोगों की कोई ट्रेनिंग भी होती है क्या कोई? हाँ सर, एक ट्रेनिंग, जब हम भर्ती होते हैं तो हमारी ट्रेनिंग होती है। कितने दिनों की? 35 दिन की ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में हमको सारी चीज़ सिखाई जाती है, बेसिक ड्रिल से लेके प्रॉपर एक जो सिपाही करता है, राइफल चलानी वगैरह सब चीज़ सिखाई जाती है सर। अच्छा अच्छा, तो कुल मिला के ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे कि दिल्ली में होमगार्ड बनना ठीक है या नहीं ठीक है? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जो नए बच्चे भर्ती होना चाह रहे हैं, मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, क्योंकि निकाल दिया जाता है। अगर एक जॉब लेवल चलता नहीं है, मतलब श्योरिटी नहीं है कि हमारा फ्यूचर है या नहीं है। तो आप अभी कितने खुश हैं अपनी नौकरी को लेकर, अपनी जॉब को लेकर? सर, अब तक तो ठीक चल रहा था, अब लास्ट डिसीजन ये हो चुका है कि हमको निकाल दिया जाएगा, हमारी जगह एक नई भर्ती हो जाएंगे, 8500 होमगार्ड को निकाल दिया जाएगा दिल्ली में, 8500 होमगार्ड को निकाल दिया जाएगा और उनकी जगह पर नए को भर्ती किया जाएगा। ठीक है हरिंदर कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करूँगा।